हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। आज के क्लास में हमने जो पिछले तीन चैप्टर्स पढ़े थे, ठीक है, जो थे मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, तो उस इन तीनों चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने 10 टू 12 एमसीक्यूज रखे, सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में भी 10 टू 12 एमसीक्यूज इन तीनों चैप्टर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ नेचुरल कोलॉइड। इन चारों ऑप्शन में से नेचुरल कोलॉइड कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं कि चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सॉरी, इट्स बेसिकली आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यूरिया, यूरिया जो होता है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कि ये नेचुरल सॉल्ट मिनरल्स में से मिलता है, ठीक है। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। केन शुगर बेसिकली स्पेसिफिकली कुछ सिलेक्टेड शुगर केन्स होते हैं जिसमें से केन शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है ब्लड, ठीक है। तो नेचुरल कोलॉइड कौन सा है इसमें, हमने जब क्लासेस में पढ़े थे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उसमें से कौन सा एग्जाम्पल था नेचुरल कोलॉइड में, दैट वॉज डी, ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, कि कौन सा मेटल जो है वो कॉपर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। इसके लिए आपको बताया गया था कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज से ही हम पता लगा सकते हैं कि कॉपर को कौन सा मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है, कौन से मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। वो आयरन है, गोल्ड है, प्लैटिनम है या मर्करी है। तो कॉपर से ऊपर कौन सा मेटल प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज में इन चारों मेटल्स में से, दैट इज ए, आयरन, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर से ऊपर इसमें कौन सा प्लेस्ड है, आयरन प्लेस्ड है इन चारों ऑप्शन में से जो गिवन है। मर्करी, गोल्ड वगैरह जो है इसके नीचे प्लेस्ड है, इट मीन्स कि वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, जो कॉपर से नीचे जो मेटल्स प्लेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग देख लेते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या था, वो प्रोसेस था जिसमें जो मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता था, रिफाइन किया जाता था, उसकी इम्प्योरिटीज उसमें से रिमूव की जाती थी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो प्योर मेटल था यानी कि इम्प्योरिटीज निकल जाती थी, तो प्योर मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होता था, एनोड पे, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था उस पे डिपॉजिट होता था। वेसल, ठीक है, यानी कि जिस वेसल में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उसी वेसल पे कलेक्ट हो जाता था। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपॉजिट होता है। ये कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे वो डिपॉजिट होता है। तो आंसर इज डी, कैथोड, यानी कि जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो प्योर मेटल था, जैसे यहाँ पे ये सोल्यूशन लिया जाता था इलेक्ट्रोड, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो मेटल होता था वो अटैच किया जाता था जिसको प्योरीफाई करना है। जब इलेक्ट्रिक करंट पूरा कंप्लीट हो जाता था तो ये इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती थी और जो मेटल है वो इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस किसका था, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इन चारों में से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या था बेसिकली कि जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और वो परमानेंट चेंज होता है, यानी कि वापस हम उसको उस फॉर्म में नहीं ला सकते जिसमें से इसको चेंज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले है बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर यानी कि पेपर को जला दिया, तो वो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। एक बार पेपर को जला दिया, क्या वापस उसको पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि ये परमानेंट चेंज है, यानी कि ये तो केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि एक बार जो खाना हम बॉडी में डाइजेस्ट हो गया तो वापस उसको खाने की फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, यानी कि ये भी परमानेंट चेंज है, यानी कि ये भी केमिकल चेंज है।
कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू स्टीम, यानी कि पानी को स्टीम में चेंज कर दिया, तो वापस क्या स्टीम से पानी में उसको कन्वर्ट करना पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। तो इट मीन्स कि ये रिवर्सिबल चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं है, इट मीन्स ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल, कि कोल को एक बार जला दिया तो क्या वापस उसको कोल की फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, परमानेंट चेंज है, इट मीन्स ये भी जो है वो केमिकल चेंज है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से केमिकल रिएक्शन कौन सा है, सॉरी केमिकल रिएक्शन जो नहीं है वो कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू स्टीम, यानी कि एक टेम्परेरी चेंज है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टीम से वापस उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड, यानी कि प्योर वाटर में से उसकी इम्प्योरिटीज, सॉरी एक सोल्यूशन में से प्योर वाटर को सेपरेट करना उसकी इम्प्योरिटीज से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन? द आंसर इज बी डिकेंटेशन। ठीक है, तो एक बार इन चारों प्रोसेसेस के बारे में देख लेते हैं कि ये चारों प्रोसेसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले है फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली ये उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए काम आता है जिनमें सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं और कुछ पार्ट सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिकेंटेशन जो था उसमें क्या होता है, जैसे बीकर में एक हमने कोई भी सोल्यूशन लिया है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है तो थोड़ी देर तक उसको इम्प्योरिटीज को नीचे सेटल होने देते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज जैसे अगर मान लो कि पानी में कॉटन के पीसेस जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, तो जैसे ही कॉटन जो है वो थोड़ा हैवी होगा थोड़े टाइम बाद वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको फिल्टरेशन के थ्रू इस प्योर वाटर को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस था जिसमें दो, जैसे एक मिक्सचर है उसमें दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है। ठीक है, तो उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता था, जिसमें पहले सॉल्यूशन को हीट किया जाता था फिर उसके वेपर्स को कूल करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते थे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते थे डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस था? सब्लिमेशन बेसिकली वो प्रोसेस था जिसमें किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो मोस्टली जो सब्सटेंसेस है वो पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज होते थे फिर वो गैसेस फॉर्म में चेंज होते थे। लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता था, जो सॉलिड को अगर हीट किया गया तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते थे विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड फॉर्म, तो वो प्रोसेस क्या था? सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिकेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली गैशियस स्टेट में होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में भी मिलता है, वो कौन सा है? ब्रोमाइन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, द आंसर टू दिस इज ए ब्रोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज, ठीक है, ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम में हीट करना इन एब्सेंस ऑफ एयर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफाइनिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या स्मेल्टिंग? इट इज नोन एज बी कैल्सिनेशन। ठीक है, अब एक बार हम ब्रीफ में इन चारों प्रोसेसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिफाइनिंग क्या था? रिफाइनिंग वो प्रोसेस था जिसमें से जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। ठीक है, तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइन करना, यानी कि उनको क्लीन करना, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, दैट इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, अब कैल्सिनेशन इज बेसिकली कि ओर को उसके कम, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हीट करना इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, जिसमें से जो उसकी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग बेसिकली क्या था कि इसमें जो सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसमें से सल्फर को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो एक मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें हीटिंग एंड मेल्टिंग दोनों प्रोसेसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसको मिलके मिलके क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग. ठीक है, सब्लिमेशन अभी पहले पीछे डिस्कस किया था, क्या था कि वो सब्सटेंसेस जो विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो इन तीनों में से वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोडीन है, यस, नेप्थिलिन, यस, कैम्फर, यस. यानी कि ये तीनों सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो सब्लिमेशन करते हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी, ऑल ऑफ देम. यानी कि जो तीनों जो ये सब्सटेंसेस हैं दे अंडरगो सब्लिमेशन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रेडन इज द हेवीएस्ट गैस, एस्टरस्टाइन इज द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ग्रेफाइट विच इज द नॉन मेटल इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर. ठीक है, तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हुए हमने देखने कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. ठीक है, ओनली टू, ये सिर्फ सेकेंड ठीक है, वन एंड टू, या टू एंड थ्री ठीक है, वन एंड थ्री. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक कर लेते कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. रेडन इज द हेवीएस्ट गैस, यस. एस्टरस्टाइन इज द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, यस. ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस. यानी कि इसके तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी. क्लियर, कोई भी डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन डैश एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट या मेटल. कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज जो सोल्यूशन है वो, या मेटल यानी कि जिसको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, वो ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, कैथोड. जो कैथोड है यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉक्स दैट आर रिच इन मेटल्स आर नोन एज. यानी कि वो रॉक्स जिसमें मेटल्स की क्वांटिटी जो बहुत ज्यादा होती है उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, एलोट्रॉप्स, स्लैग या ओर. दे आर नोन एज डी, ओर्स. ठीक है, अब क्या इन चारों को एक बार देख लेते हैं. मेटलॉइड्स क्या थे, बेसिकली वो सब्सटेंसेस थे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता था. ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या थे कि वो सब्सटेंसेस जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होती थी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती थी. जैसे पढ़ा था ना कार्बन के जो एलोट्रॉप्स क्या थे, ग्रेफाइट, डायमंड्स वगैरह, उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी. ठीक है, स्लैग क्या होता है, स्लैग बेसिकली एक वेस्ट मटेरियल होता है. ठीक है, जब मेटल्स को मेल्ट किया जाता है या ओर्स को रिफाइन किया जाता है, जो वेस्ट मैटर जो उसमें बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्लैग. ठीक है, ओर्स क्या थे, ओर्स बेसिकली वो मिनरल्स थे जिसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो रॉक्स थे उनमें सबसे ज्यादा जो है वो ओर्स मिलते हैं. ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ओर्स. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज क्लासेस, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, बॉक्साइट. ठीक है, यानी कि बॉक्साइट में से, बोर ऑक्साइड के एग्जाम्पल क्लास में लिया था, उसमें से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या आयरन. ठीक है, तो बॉक्साइट में से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, बी, एल्यूमिनियम. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you.